हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अभी पूजा का सीज़न चल रहा है, ये वीडियो जो है ओनली फॉर पूजा पे ही है। ठीक है, ओनली फॉर पूजा डेकोरेशन पे ही है, कोई भी पूजा हो। जैसे कि अभी जन्माष्टमी चल रहा है ना, आगे गणेश पूजा आने वाला है, दुर्गा पूजा आने वाला है, विश्वकर्मा पूजा आने वाला है, काली पूजा आने वाला है। ठीक है, तो टोटल पूजा, ऑल पूजा, जितना भी पूजा होता है उस पर है। ठीक है, इस तरह का डेकोरेशन आप आराम से पूजा में कर सकते हैं। अगर आप लोग शादी ब्याह में भी इस तरह का डेकोरेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिंपल से सिंपल और हैवी से हैवी, स्टेज हो या गेट हो, दोनों का वीडियो अपलोड है, स्टेज का भी गेट का भी। ठीक है, एक जगह का ओनली फॉर एक जगह का वीडियो अपलोड नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक जगह का नहीं है, कम से कम 10 से 12 जगह का कुछ कुछ वीडियो बना करके इसमें अपलोड किया गया है। कुछ कुछ वीडियो बनाकर कहीं का स्टेज का, गेट का, मतलब 1 मिनट का 2 मिनट का वीडियो बना बना करके सबको एक दूसरे से जोड़ करके इसको अपलोड किया गया है। एक जगह का नहीं है, इसलिए आपको 10 से 12 डिजाइन इसमें मिलेंगे, चाहे वो स्टेज का हो या गेट का हो। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग भी इस तरह का डेकोरेशन करना चाहते हैं आने वाले पूजा में, तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिए, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि सही में इसमें जो है अलग अलग डिजाइन का, स्टेज हो या गेट हो, का वीडियो अपलोड है। तो फ्रेंड, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें या बेल आइकन को जोर दबा दें। चूँकि आप लोगों को मालूम है कि वेडिंग फ्लावर लाइन से मैं वीडियो लाते रहता हूं, चाहे वो फाइनल वीडियो हो या डिटेलिंग वीडियो हो। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जोर दबा दीजिएगा। मैं इसमें आपको समझा नहीं सकता हूँ, इसका जो फ्रेम का साइज है मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ, इसलिए चूँकि इसमें हर एक अलग अलग तरह का वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो आप खुद समझ, इसमें देखिए, इसमें कुछ कोई भारी बात नहीं है। ठीक है ना, खुद आप समझ जाइएगा, उतना भी हैवी नहीं है और उतना भी सिंपल नहीं है, मीडियम में है, आप खुद समझ जाएगा। जैसे कि इस तरह का मान के चलिए, जो स्टेज जो सजा हुआ है अभी सामने आप देख रहे हैं, ये ओनली फॉर बीम पे है। ठीक है, 3 गो बीम जो होता है ना, उसे बीम पे डेकोरेशन था। ये भी स्टेज आप देख रहे हैं ओनली फॉर बीम पे, हाइट आपके ऊपर डिपेंड करता है और प्लस मूर्ति के ऊपर डिपेंड। अगर आप पूजा में काम करते हैं ना, अगर इस तरह का डेकोरेशन अगर आप पूजा में करते हैं तो मूर्ति के ऊपर हाइट का डिपेंड करता है, मूर्ति का क्या हाइट है उसी हिसाब से आपको डेकोरेशन का हाइट रखना है। ठीक है, अभी इसमें जैसे कि देख लीजिए, मूर्ति का हाइट छोटा है तो डेकोरेशन उसी हिसाब से है, और उसके बाद उस ऊपर से जो है ना लटकन लटका दिया गया। अगर यही हाइट मूर्ति का ज़्यादा होता तो इसको और हाइट किया जाता, समझ गए ना। तो जिस तरह का हाइट रहेगा, जिस तरह का मंदिर का हाइट रहता है, मूर्ति का हाइट रहता है, उसी के हिसाब से आपको काम करना है। इसलिए मैं कह रहा था कि मैं इसमें ज़्यादा समझा नहीं पाऊंगा, वीडियो को बस आप एंड देखिए, शुरू से लेकर के एंड तक देखिए। अलग अलग डिजाइन का आपको इसमें स्टेज का, गेट का जो है मिलेगा, अलग अलग डिजाइन का वीडियो मिलेगा, स्टेज हो चाहे गेट हो। ठीक है ना,